क्योंकि आवाज इसलिए नहीं आ रही कि मैं जोर से बोल ही नहीं रहा था। तेरा कैसा? खैर ये एग्जैक्टली करीब आ रही है। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं वैसे ऐसे ही बोल रहा था, म्यूट करके अपने आप को बोल रहा था। तो जस्ट टू मैंने कहा चलो थोड़ा सा आप लोगों के रिफ्लेक्सेस चेक करें, आप लोगों के रिफ्लेक्सेस चल रहे हैं या नहीं चल रहे। खैर जी एनी हाउ, सो हमारा जो अभी जो डिस्कशन कर रही है, पंखा क्यों नहीं चल रहा? खैर कोई बात नहीं। ये वाला पंखा, वो पीछे वाला पंखा ही बंद हो। एक सेकंड, जब भी मैं कहूँ मुझे हवा क्यों नहीं आ रही? एक सेकंड हो, तो साथ चलेंगे। हाँ ओके सो आई एम बैक। अच्छा जी, अब सिचुएशन इस तरह से जनाब कि कल हम लोगों ने ऑपरेशंस की, हम लोगों ने स्टॉक मैनेजमेंट के बारे में हमने बात कंप्लीट कर ली थी, सारी टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात कंप्लीट कर ली थी, और दैट बेसिकली कंप्लीटेड आर यूनिट नंबर 4। सही है, अब हम जा रहे हैं यूनिट 1 की तरफ। बिफोर वी मूव ऑन टू यूनिट 1, हम लोगों को ये चीज पहले जहन में रखनी है कि हमारे पास जो मिड टर्म्स हैं, उस मिड टर्म्स के अंदर जो कि शायद आपके मिड ऑफ और दिसंबर में आपके हो, मिड ऑफ दिसंबर में, तो उसमें जो है आपका यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर जो है आप लोगों का 1, यानी 1, 2, 4 जो है वो आपका कोर्स का पार्ट होगा। सही, और हमारे पास अच्छा खासा टाइम है, मकसद ये 2 वीक्स हमारे पास जो है वो 2 वीक्स, 2 वीक से ज्यादा ही हमारे पास है, 2 वीक्स जो है 16 से नेक्स्ट वीक, 2 वीक्स हमारे पास नवंबर के हैं और तकरीबन कोई 2 वीक जो है हमारे पास दिसंबर के हैं। तो महीना पूरा हमारे पास और एक यूनिट हम लोगों ने करना और वो है भी यूनिट 1, तो काफी हमारे पास टाइम, हमारे पास बड़ा मस्त किस्म का टाइम। तो हम लोगों को अब जो चीज डिस्कस करनी है दैट इज फॉर 8 मार्क क्वेश्चन। आज की क्लास के अंदर मैं ओरिजिनली आप लोगों से ज्यादातर डिस्कशन करूंगा 8 मार्क के क्वेश्चन के लिहाज से, और 8 मार्क के क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है और आपको किस तरह से स्पॉन्सर करना होता है। और ये भी चीज जहन में रखिएगा कि अब हम लोग जितनी भी बातें करेंगे, यानी जो आप लोगों का आंसर्स के लिहाज से जो बात करनी है, वो इस चीज को बेस बनाते हुए करेंगे कि आपको 2 मार्क, 3 मार्क और 5 मार्क आपको लिखने आते हैं। सही है, अब इन्हीं के कॉम्बिनेशंस के ऊपर रहते हुए हम लोगों ने अब 8 मार्क्स को देखना है, क्योंकि अब 8 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो पेपर 1 में नजर भी आता है और पेपर 2 में नजर भी आता है। ठीक है, तो अब वो पेपर 2 को कैसे अटेम्प्ट करना होता है उसके बारे में हम इंशाल्लाह कल क्लास से बात डिस्कस करेंगे कि पेपर 2 को कैसा होता क्या है, दिखता कैसे है और उसमें चीजें क्या होती हैं। प्लस अभी हम लोगों ने बात करनी है कि 8 मार्क क्वेश्चन और बेसिक प्रेमिसेस में आप लोगों को पेपर 2 दिखाने की कोशिश करूंगा कि पेपर 2 दिखता कैसा है और इसको फिर अटेम्प्ट कैसे करना होता है, कैसे हम लोग इसको आंसर्स कर रहे होते हैं, उसके बारे में हम लोग कल, फिर आज या और आज और कल हम लोग बात करेंगे। मीनिंग इस वीक के अंदर मैं आप लोगों के साथ अभी यूनिट 1 स्टार्ट नहीं कर रहा, यूनिट 1 हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीक में और वो मेरे ख्याल से 2 वीक के अंदर अंदर खत्म हो जाएगा। आइडिया क्या है? आइडिया ये है जनाब कि हम लोगों ने यूनिट नंबर 2 के अंदर 2, 3 और 5 मार्क के क्वेश्चंस को सीखा। सही है, अब हम लोगों ने यूनिट नंबर 4 के अंदर 2, 3 और 5 मार्क के क्वेश्चंस की फर्दर प्रैक्टिस करेंगे, जो कि शायद आपको वीकेंड के ऊपर आपको एक असाइनमेंट मिल जाएगा जिसमें 2, 3 और 5 मार्क के क्वेश्चंस होंगे। प्लस अब यूनिट नंबर 4 जो है वो आप लोगों का है फॉर 8 मार्क्स प्रिपरेशन। ठीक है, फिर 8 मार्क की प्रिपरेशन करने के बाद जब आप उसको क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर चुके होंगे, उसी में से अब टेस्ट भी आएगा। मीनिंग अब जो आप लोगों का टेस्ट आने वाला है, जो क्वेश्चन 2 है वो आपका
दो तीन पांच सही है, एंड देन क्विज थ्री जो है, हाँ दो क्विज है ना आप लोगों के अपकमिंग वीक के अंदर, तो अब नेक्स्ट टू वीक्स में आपका एक एक क्विज है ये आप याद रखिएगा, तो उसमें जो है वो आप लोगों का 5 मार्क्स दोबारा और ताकि रिवाइज हो जाए, और एक 8 मार्क्स का क्विज जो है वो एग्जिस्ट करेगा जिसमें आप 5 और 8 को रिवाइज करेंगे और 8 के लिहाज से, यानी जो क्विज होगा वो 2-3 5 मार्क का एक क्विज होगा और एक 8 मार्क के दो क्वेश्चंस होगा जो आप लोगों ने अटेम्प्ट करना, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस जो है वो एक रिलेटिव बेसिस पर हो जाए, और फिर आप लोगों का जो फोकस जो है दोनों क्विजेस का फोकस जो है वो यूनिट 4 है, सही है। यूनिट 4 में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं, यूनिट 4 में हम लोगों ने इकोनॉमी ऑफ स्केल पढ़ा है, सर अक्टूबर नवंबर के स्टूडेंट्स के रिवीजन का क्या करना है, अक्टूबर नवंबर के स्टूडेंट्स के रिवीजन का क्या करना है, वो इसलिए क्योंकि आप लोगों के रिविजन्स के लिए हमें क्या करना है, बिकॉज़ दैट टीचर असिस्टेंट जो है वो मेरा ख्याल एक्टिव हो, जहां तक बाकी कॉलेजेस के लिहाज से अगर मैं देखूं तो वहां पर टीचर असिस्टेंट से टीएस होते हैं, तो टीएस जो है वो कर देंगे, अब टीए कौन है आई हैव नो आइडिया, लेकिन टीएस होते हैं रिवीजन वगैरह काम करवाना उनका काम, ठीक है। लेट्स सी क्या व्हाट इज द प्लान, मुझे अभी तक प्लान पता नहीं है इस बारे में, लेट्स सी क्या व्हाट इज, अच्छा जी एनीहाउ तो 8 मार्क की बात कर, सही है। सो आप लोगों का जो कंडीशन है, जिस कंडीशन पे हम लोग अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं, दैट इज इन टर्म्स ऑफ, अच्छा ये मैंने आपको बता दिया कि आप लोगों का जो जैसे इकोनॉमी ऑफ स्केल है, लोकेशन डिसीजन है, फिर उसके बाद प्रोडक्शन प्रोसेस है, प्रोडक्शन फ्लेक्सिबिलिटी है और इनोवेशन है, फिर एक और क्या चीज हम लोगों को स्टॉक मैनेजमेंट हम लोगों ने पढ़ा, तो ये तमाम तरह चीजें आपकी यूनिट 4 में से आ रही है, इसी में से यूनिट क्विज 3 और 4 यानी कि नवम्बर में होने वाले दोनों क्विजेस जो है वो इसी में से होंगे, इसी यूनिट में से होंगे, क्योंकि यूनिट 2 को हम लोगों ने जज कर लिया है, अब यूनिट 4 को हम लोगों ने साथ आपको जज करना है। Therefore, अब हम लोगों ने बात करनी है 8 मार्क्स सर कॉमर्स स्टूडेंट्स के आर लावारिस, वी डोंट हैव टीए, ओ नहीं 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 यू हैव, लास्ट ईयर थे ऐसा हुई यार, तुम्हें गिरने का बड़ा शौक हो रहा है आज, मेरा मास्क गिर रहा है बार बार, अच्छा मैं सर इमरान से पूछता हूँ इस बारे में कि व्हाट इज द प्लान, फिर आप लोगों की आई डोंट नो किस तरह से क्लासेस, अगर देखो टीए तो था सही है, लास्ट टाइम तक के जो मेरा सिलसिला जितना भी बना हुआ था वो सारा टीए का था सिलसिला, और टीए वाज देयर, मिस हिबा थी यहाँ पर, और मिस हिबा जो थी वो पढ़ा रही थी, काम भी करती थी काफी अच्छे तरीके से, उन्होंने सारी चीजें हैंडल की, तो लेट्स सी व्हाट इज द प्लान। ओके अब हम लोग बात कर रहे हैं 8 मार्क के लिहाज से, सही है। 8 मार्क का क्वेश्चन असल में है, 8 मार्क का क्वेश्चन बेसिकली आपसे पूछता है, उसके साथ जो कीवर्ड आता है वो मेजॉरिटी कीवर्ड आपके पास आता है एक्सप्लेन या एनालाइज, एनालाइज इज मोर फ्रीक्वेंट वर्ड टू यूज, सही है। अब एनालाइज का मतलब क्या होता है कि आपने ओरिजिनली इस पर्टिकुलर एसे के ऊपर यानी 8 मार्क के क्वेश्चन के ऊपर आपको कम अज कम 3 पॉइंट्स के साथ चलना पड़ता है, मिनिमम ऑफ 3 पॉइंट्स, ठीक है, अंटिल अनलेस के एग्जामिनर खुद मुंह से ना बोल दे कि आप कोई 2 एडवांटेजेस या 2 डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करें, 3 पॉइंट्स आर सफिशिएंट, मैक्सिमम 3 पॉइंट्स तक जाना है, 4th पॉइंट की तरफ नहीं जाना, वो क्वेश्चन आपको खुद से डिसाइड करवाएगा कि किस तरह से आपको आंसर करना है। अच्छा एसेज के अंदर और शॉर्ट क्वेश्चन में फर्क क्या होता है, एसेज और शॉर्ट क्वेश्चन का फर्क ये है कि एसेज शॉर्ट क्वेश्चन में आप ये समझ लें कि आप बैंक ऑन टारगेट वाली कहानी,
सर ये है सर एक और क्वेश्चन, सर एक और रिवीजन क्लास ले रहे हैं, व्हाट ही इज टीचिंग, क्या 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 यस सर एक और सर रिवीजन क्लास ले रहे हैं बट ही इज टीचिंग चैप्टर वन. जी वो सर रजा है, मेरा ये ख्याल है कि वो चैप्टर वन, जब अगर आप बात की जाएगी तो मेरा ख्याल है वो चैप्टर नंबर यूनिट फोर और यूनिट टू जो है वो एज पर डिस्क्रेशन रिवाइज करवा देंगे, सर रजा करवा, सही है. तो आप लोग यूनिट वन उनके साथ कर पढ़े आराम से, हमने तो अभी पढ़ना है तो आप उनके साथ पढ़ क्या जा रहे हैं, तो रिविजन कर लें, मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे आपकी रिविजन हो जाएगी, जब वो कंप्लीट कर लेंगे बोल दीजिएगा यूनिट टू करवा दें. सर रजा करवा, मैं वो कह रहा हूँ है कोई ना कुछ, कुछ ना कुछ सोल्यूशन जरूर है, वो देखने किस तरह से आपको काम. खैर अब याद रखें कि जो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन और एसेज के दरमियान फर्क के, पहले जरा फर्क समझते और फिर आप लोग बात करना शुरू करें. शॉर्ट क्वेश्चंस का मतलब ये है कि आपसे जो पूछा जा रहा है तो अच्छा ठीक है आई टॉक. सो अब ये चीज देखी जाती है कि आप जिस वक्त शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कर रहे होते हैं तो जो पूछा जा रहा है एग्जैक्टली वही आंसर आप लोगों ने लिखा, सही है. आपसे पूछा जा रहा है भाई जॉब इनरिचमेंट क्या होती है, जस्टिफाइड व्हाट इज जॉब इनरिचमेंट, उसके आगे पीछे की बात ना करें. लेकिन जब कभी आप एसेस की बात करते हैं तो एसेस के अंदर आपको थोड़ा सा होलिस्टिक यानी कि थोड़ा सा होलसम किस्म का जो है आपको एक आइडिया जनरेट करना होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ कि जॉब इनरिचमेंट क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा डिफाइन जॉब इनरिचमेंट, आपने ये कह दिया कि व्हेन रिस्पांसिबिलिटीज आर इंक्रीजिंग इन डिफरेंट डोमेन प्रोवाइडेड प्रीवियस रिस्पांसिबिलिटीज रिमेन्स द सेम रिमेन्स इन टेक. तो जब आपने ये बात लिखी है तो आपने डिफाइन कर दिया है, आपको दो मार्क मिल गया. लेकिन अगर मैं अब लिखना चाहूँ एनालाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ जॉब इनरिचमेंट, सही है, आठ मार्क के लिए. तो अब मैं क्या करूंगा, पहले जॉब इनरिचमेंट को डिफाइन करूंगा, फिर जॉब इनरिचमेंट के दो फायदे और दो नुकसान के साथ काम करना शुरू करूंगा, क्योंकि एनालाइज द बेनिफिट्स एंड डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात, सही है. सिर्फ अगर मुझसे ये कहा जाता है एनालाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ जॉब इनरिचमेंट तो मैं सिर्फ फायदों की तरफ, तो होता क्या है कि आप कम अज कम तीन फायदों के साथ आगे चल रहे होते हैं और जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क है वो देखना है अब हम लोगों ने कैसे करना है और उस लिहाज से फिर हम लोगों के साथ से आगे लेके चलना है. तो आठ मार्क और बारह मार्क ये जो एसे सेक्शन है हमारा जो कि पेपर वन के अंदर हमारा सेक्शन आता है और पेपर टू के अंदर भी आठ मार्क का क्वेश्चन आता है, दोनों के आंसर्स में कोई फर्क नहीं होता, सही है. दोनों के कीवर्ड्स भी तकरीबन सेम होते हैं, दोनों के आंसर्स भी तकरीबन सेम होते हैं. तो ये याद रखिएगा कि हमारे पास अब जो चीजें हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं वो पेपर वन के अंदर भी आते हैं और पेपर टू के अंदर भी आते हैं, सही है. तो उसकी जरा बात करना शुरू. So, ये हमारे पास यूनिट नंबर फोर जो था वो कंप्लीट हो रहा था और अब जरा हम लोग चले जाते हैं, सही है. तो अब हम लोग जरा आठ मार्क के ऐसे क्वेश्चन करते हैं. ठीक है, आज तारीख है मेरे ख्याल से 11/11/2020, ठीक है, आठ मार्क के क्वेश्चंस के लिहाज से बात कर रहे हैं. और ये याद रखो कि आठ मार्क की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होती है, आठ मार्क की डिस्ट्रीब्यूशन है 5 and 3 और 5 मार्क की डिस्ट्रीब्यूशन है 3 and 2, ठीक है. और ये आपको 3 मार्क का क्वेश्चन, दो दफा 3 मार्क का क्वेश्चन है और एक आपका 2 मार्क का क्वेश्चन है. दिस इज हाउ यू हैव टू जस्ट स्ट्रक्चर योर आंसर, ठीक है.
तो अगर हम बात कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ थ्री के लिहाज से, तो थ्री कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इनटू वन, सही है। सो ये भी क्लियर होना चाहिए कि आपको दो मार्क के ही लिहाज से बात करनी है, यानी कि एक पॉइंट आपका जो होगा वो तीन मार्क का होगा, एक पॉइंट जो होगा वो आपका तीन मार्क का होगा, एक पॉइंट जो होगा वो आपका दो मार्क का होगा। दिस इज हाउ यू हैव टू जस्ट स्ट्रक्चर योर क्वेश्चन। तीन मार्क के लिए हम क्या कर रहे होते हैं, हम पॉइंट लिखते थे, हम पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं, एग्जाम्पल लिखते हैं, और तीसरे मार्क के लिए हम उसके इफेक्ट ऑन द बिजनेस, सही है। सो दिस इज हाउ यू जस्ट हैव टू। तो अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाता है जिसपे हम लोगों ने बात कर रही हो, तो हमारे पास अब जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं वो याद रखना कि ऐसे क्वेश्चन जितने भी होते हैं वो पैराग्राफ बेस्ड हो, ठीक है, पैराग्राफ्स के अंदर चलते, ठीक है। तो पैराग्राफ वन जो होता है वो हमेशा हमारे पास होगा, डेफिनेशन पैराग्राफ होता है जिसमें हम लोग किसी भी की वर्ड की डेफिनेशन प्लस उसकी एग्जाम्पल लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और ये याद रखना है यहाँ पर एग्जाम्पल जो है दिस इज रिलेटिवली आपके लिए थोड़ी सी ऑप्शनल हो, ठीक है, लिख देंगे अच्छी बात होती, नहीं लिखते तो कोई मसले की बात, ठीक है। सो ये याद रखिएगा, ये मैंने यहाँ पर इसका बोला। सो ये एग्जाम्पल भले अगर आप ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप इधर जो है ये बता सकते हैं कि आपने ओरिजिनली आगे जाके फायदे बता रहे हैं, नुकसान बता रहे हैं, तो इस तरह की आपको स्टार्टर लाइन वगैरह यहाँ पर आप लिख सकते हैं चाहे, ठीक है। इसलिए मैं इसको वैसे ही बताया। ठीक है, सो जो भी वो की टर्म है उस की टर्म का आप क्या कह सकते हैं, डेफिनेशन लिखकर आप अपने आप को मसला निपटा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा पैराग्राफ आता है वो पैराग्राफ बेसिकली हमारे पास है जिसमें हम लोग पहला पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट वन होगा, सही है, उसकी आपने एग्जाम्पल बनानी है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सही है, प्लस आपने उसका लिखना है इफेक्ट ऑन द बिजनेस, सही है। अब ये याद रखना कि ये जो चीज आपने की है ना, ये ओरिजिनली तीन मार्क के लिए की, ये जो आपने स्टेट किया है पॉइंट, ये जो आपने स्टेट पॉइंट स्टेट किया है इसको एक नंबर मिला है, ये जो आपने एग्जाम्पल यहाँ पर लिखी है पूरी की पूरी इसने आपको एक नंबर दिया है, और ये जो आपने यहाँ पर इनको इफेक्ट लिखा है इसने आपको एक नंबर, सही है। और ये जो चीज आपने इतनी बड़ी सारी एक जो क्वेश्चन की चीज जो लिखी थी ये आपने असल में दो मार्क के, समझ आ गई। तो ये हर चीज जो है ना ये बेसिकली एक एक मार्क के, तो ये देख लो पहला वाला पैराग्राफ आपने दो मार्क का कर दिया, ये हो गया, ये रहा पैराग्राफ, सही है। पैराग्राफ नंबर टू अब आएगा तीन मार्क के लिए, पैराग्राफ थ्री कितने के लिए आएगा, तीन, ठीक है। सिमिलरली अब आपके पास अगला जो पॉइंट है पॉइंट नंबर टू, सही है, आपके तीन पैराग्राफ्स के अंदर आपका आंसर खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए चौथा जान बूझ कर पैराग्राफ लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस की तरफ आप लोग जा रहे हैं। सो आपको सीआईई में, यानी कि अगर आप ये तीन पैराग्राफ्स लिखते हैं तो आप आठ मार्क के लिए काफी काम कर चुके हैं सीआई के स्टैंडर्ड्स के लिहाज से, लेकिन सिंस अभी हम सीख रहे हैं देयरफॉर वी हैव टू रश एंड मस्ट बी राइटिंग अनदर पॉइंट,
सिमिलरली इसी तरह से हमारे पास एक पैराग्राफ नंबर 4 दोबारा आएगा जो कि ओरिजिनली हमारे पास ऑप्शनल, सही है, ये ऑप्शनल पैराग्राफ है, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस के अंदर इस चीज को लिखेंगे और अगर आपके आंसर अच्छे हो जाएंगे तो आप भले चौथा पैराग्राफ जो है वो आप छोड़ दें 8 मार्क वाले के अंदर, लेकिन बाद बच्चे ऐसे होते हैं जो शायद इस चौथे पैराग्राफ को लिखने के बाद उनकी सफिशिएंट एनालिसिस एग्जिस्ट करती है, ठीक है। इसी तरह से फिर आप पैराग्राफ पॉइंट 3 की तरफ जाएंगे, आप फिर एग्जाम्पल लिखेंगे, अपेरेंटली अगर देखा जाए तो इस वाले पैराग्राफ की भी मार्क्स इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, लेकिन आपका जो पॉइंट है वो ये कि ये 3 मार्क वाला ये आपका एप्लीकेशन और ये आपकी जो एनालिसिस है, ये तीनों की तीनों चीजें आपके लिए इसलिए लिखी जा रही हैं कि आपको ओरिजिनली ये प्रैक्टिस के तौर पर लिखा जा, सही है। ठीक है, तो आपका जो भी कोई क्वेश्चन होगा उसमें पैराग्राफ नंबर 4 जो है वो 8 मार्क के लिए एक्स्ट्रा है, लेकिन आपने लिखना लास्ट, ठीक है, सो दैट आप लोगों को एक आइडिया जनरेट किया जा सके कि क्वेश्चन जो है वो कैसे आएगा, क्वेश्चन जो है वो क्या आएगा, किस तरह से आपने बात करनी है। और ये याद रखो कि ये जो आपके पास यहाँ पर जो नंबर आपको मिल रहा है, ये नॉलेज का, ये जो आपको नंबर मिल रहा है, ये पॉइंट मिलना, ये वाला पॉइंट मिलना, ये वाला पॉइंट मिलना, ये लाजमी है कि आपको मिल रहे होंगे, सही है ना। ये तो पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं, अब देखना ये है कि आपने कितना सही तरीके से ये आंसर्स लिखे हुए हैं, सही है, और इसी पे हम लोगों ने प्रैक्टिस करना, ये काम वो कितने अच्छे तरीके से आपने किया हुआ है कि ये चीजें क्लियर हो जाए और इवेंचुअली आप लोगों को भरोसा ना हो, ठीक है। इसको छाप लो जल्दी से, शाबाश। ठीक है जी, सो दिस इज बेसिकली हाउ इट्स गोइंग टू बी। अच्छा, अब जरा कुछ क्वेश्चंस देख रहे थे पास्ट पेपर्स के, तो उसके लिए मुझे स्क्रीन अनशेयर करके दोबारा शेयर मार। ओके, सो अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास जो पेपर है, ये पेपर हमारे पास May-June 2019 का है, सही है, और ये वन ऑफ द लेटेस्ट पेपर्स है। और अगर आप इसमें देखो तो सेक्शन नंबर 1 जो है ये यहाँ पर, ये देखो ये इस तरह से, ठीक है, ये सेक्शन B जो है ये कुछ आपको इस तरह से नजर आए,
ये क्वेश्चन है जो हमारा कंसर्न सही है। ये देखो पांचवा का क्वेश्चन, पांच क्वेश्चन आता है ए और बी के साथ, फिर छठवां का क्वेश्चन आता है जो कि 20 मार्क का होता है, इसको तो हम सोच भी नहीं रहे भी करने को। और फिर देखो ये सेवन क्वेश्चन आता है जिसमें फिर आपके पास 8 और 12 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। सही है, यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली वन क्वेश्चन। हमारा फोकस इस वक्त 8 मार्क्स, ठीक है। अब अगर ये दोनों क्वेश्चंस देखो तो दोनों क्वेश्चंस का जो कीवर्ड आया वो क्या आया, वह एनालाइजर आया। Analyze the differences between autocratic and laissez-faire leadership style. तो इसका मतलब ये autocratic का आपको define करना है, ठीक है, और इसके दो points लिखने हैं, सही है, उनकी example देनी है और उनका impact लिखना है, सही है। इसी तरह से आपने laissez-faire के साथ उसको define करना है, इसके दो points लिखने हैं, इसकी उनकी examples लिखनी है और उनका impact लिखना है, सही है। अब ये ख्याल रखते हैं कि ये दो पॉइंट्स जो हैं ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, मर्जी है आपकी, ठीक है। तो देयर इज नो सही। अगर आप 7A के लिहाज से बात करें तो एनालाइज द एडवांटेजेस, यानी कि दो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, दो डिसएडवांटेजेस फॉर रिटेल बिजनेस यूजिंग जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री, यानी कि जस्ट इन टाइम की डेफिनेशन आएगी। अब इस जस्ट इन टाइम के दो एडवांटेजेस ऑफ JIT, सही है, एंड दो डिसएडवांटेजेस ऑफ JIT। मैंने कहा था कि ओरिजिनली हमें क्वेश्चन के लिहाज से देखना पड़ता है कितने पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे। तो यानी पैराग्राफ 2 के अंदर आपके पास पैराग्राफ 1 जो होगा इट विल बी अ डेफिनेशन पैराग्राफ ऑफ JIT, पैराग्राफ नंबर 2 जो होगा विल हैव 2 एडवांटेजेस विद देयर एग्जांपल्स इन टर्म्स ऑफ रिटेल बिजनेस। रिटेल बिजनेस बेसिकली आपका कोई भी दुकान हो सकती है जहां से आप चीजें खरीद रहे हैं, ठीक है। इट कुड बी कपड़े की दुकान, इट कुड बी ग्रोसरी की दुकान, इट कुड बी दूध दही की दुकान, कुड बी एनी दुकान जिसको आप लोगों ने रिटेल बिजनेस समझा हुआ हो, ठीक है। तो अब ये याद रखिए कि आपके पास ये जो क्वेश्चन, आपके पास दोनों क्वेश्चन हैं, ये दोनों क्वेश्चन बेसिकली आपके पास एक पैराग्राफ जो है वो ऑटोक्रेटिक का इधर चलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 5 के लिहाज से अगर मैं बात करूँ, तो एक पूरा पैराग्राफ जो होगा वो आपका चलेगा इन टर्म्स ऑफ ऑटोक्रेटिक, और एक दूसरा पूरा पैराग्राफ आपके पास चलेगा इन टर्म्स ऑफ योर लेजिस्फेयर। आंसर खत्म हो जाएगा, ऐसे 3 पैराग्राफ की जरूरत ही नहीं, 2 पैराग्राफ में काम करना है। लेकिन जो पैराग्राफ है उनके अंदर हर पॉइंट के साथ उसकी एग्जाम्पल है और उसका इम्पेक्ट ऑर्डर लास्ट, ठीक है। चाहे तो आप इसको अलग अलग पैराग्राफ से भी कर सकते, लेकिन ऑटोक्रेटिक का अपना पैराग्राफ होगा, लेजिस्फेयर का अपना पैराग्राफ होगा, सही है। जब आप बात करेंगे इस वाले क्वेश्चन के लिहाज से, यानी कि 7A के लिहाज से, तो जस्ट इन टाइम की डेफिनेशन का आपके पास एक पैराग्राफ आ जाएगा, जबकि एडवांटेजेस का आपके पास एक पैराग्राफ बन जाएगा और डिसएडवांटेजेस का आपके पास एक पैराग्राफ। अब दोनों एडवांटेजेस का आपने एग्जाम्पल कहाँ से देनी है, यहाँ से आपकी एग्जाम्पल आ रही है, ठीक है। और आपने इन्वेंट्री मैनेजमेंट की बेहतर तरीके से हैंडलिंग के बारे में आपने बात करनी है, उससे कंपनी को फायदा क्या, ठीक है। So this is how you have to look. सही है? तो इसे ध्यान में रखो कि ये questions नहीं, इन तमंदर questions आपके पास 8 mark के अंदर, there is no games like such के आप लोगों को बड़ा trick करने की कोशिश की जा रही होती है, ये basically ask a pretty simple straightforward question, ठीक है। इसी तरह से हम अगला पेपर देखते, तो अगले पेपर के लिहाज से हमारे पास यहाँ पर 8 mark के क्वेश्चन के अंदर जो टॉपिक आया क्राउड फंडिंग का, भी हमने पढ़ा नहीं है, फाइनेंस में पढ़ेंगे, सही है। अभी सोशल एंटरप्राइज हम उन्हें पढ़ना है, ठीक है। तो ये दोनों के ए पार्ट देख लो, एनालाइज कीवर्ड के साथ ही आ रहे हैं और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आ रहे हैं। एनालाइज द एडवांटेजेस ऑफ क्राउड फंडिंग, एनालाइज द इंपैक्ट ऑफ सोशल एंटरप्राइज, ठीक है। ये दोनों टॉपिक अभी पढ़ने हैं, ये देखो analyze the likely benefits to a car manufacturer of using capital intensive process. Definition kiski aa gayi, capital intensive, sahi hai, aur likely benefits kam se kam 2 benefits, sahi hai. Aapne practice ke liye kitne likhne, kiske liye example kiski ban rahi hogi non stop, car manufacturer ki ye example. Impact bhi kise bata rahe hoge, isi pe impact bata rahe hoge,
समझ आ गई। और अगर आप नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो तो खैर ये अभी तो कैश फ्लोस के ऊपर है, कैश फ्लोस अभी फाइनेंस का। तो इट्स जस्ट द सेम, देखो कीवर्ड हमेशा क्या आ रहा है, कीवर्ड हमेशा क्या आ रहा है, इट्स ऑलवेज द एनालाइज कीवर्ड। देखो ये एनालाइज कीवर्ड आ रहा है सर, ठीक है ना, रिगार्डलेस के हम उसको सॉल्व कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, 8 मार्क के क्वेश्चन के अंदर आता ही कीवर्ड एनालाइज है। तो इसका मतलब ये है कि हमें एनालाइज करके छोड़ देना, समझ आ गया यहां तक। तो ये चीज हमारे पास है। अब आप लोगों के लिए जो पहला जो असाइनमेंट इस वक्त एग्जिस्ट कर रहा है वो ये कर रहा है कि ये दो क्वेश्चंस जो है, ये क्वेश्चंस जो कि आपके पास है May 2019 1-1 question 5A एंड question 7A, ये तो आप लोगों ने कंप्लीट करना ही करना, सही है। ये आपको पहली असाइनमेंट 8 मार्क ये करके मुझे ला के दीजिए, सही है, मैं चेक करके आपको वापस करूँगा और फिर देखते हैं। और ये मुझे आप मंडे को दीजिए, मंडे ट्यूसडे को बता सकते हैं, सही है, सबमिशन आपके ट्यूसडे। ट्यूसडे को 17 तारीख है, सही है। अभी इसमें 2 क्वेश्चंस और ऐड होंगे, ठीक है, और कौन सा 2 क्वेश्चन ऐड होंगे, ये वाला क्वेश्चन ऐड कर लेते हैं यार, अच्छा आ गया। और ये 3 क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन आपने करना, ठीक है, 3 क्वेश्चन आपके पास हो गए। और ये आपको मैंने दिखवा दिए कौन से 3 क्वेश्चन है, इसके साल भी लिख लो अपने पास, क्लियर है, डन हो गई। फाइन, तीसरा क्वेश्चन कौन सा है, तीसरा क्वेश्चन फेब 19, सही है, डन हो गई कहानी। चलो जी, दैट्स इट फॉर टुडे। और जीता क्वेश्चन सर, हर पैरा में एक एडवांटेज एग्जांपल है, जी हाँ, हर पैराग्राफ में एक एडवांटेज सर, इज इट इंपॉर्टेंट टू मेक पैराग्राफ्स इन नेटवर्क, जी हाँ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कांट बी राइट इन कंटेंट, जी नहीं, यू कैन नेवर राइट इन, इंतहाई बचकाना तरीका है, सही है। और सर लेक्चर्स का लेना, कौन सा लेक्चर का भाई, दूसरा क्वेश्चन कौन सा था, 2 क्वेश्चन यार देखो ना, 2 क्वेश्चन ये है ना, ये एक क्वेश्चन है, कहा ये एक क्वेश्चन है, फेब 2019 12 question 5 ये वाला, ठीक है, और फिर ये क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन, इसका भी पार्ट ए सिर्फ 3 क्वेश्चन, ठीक है, समझ आ गई। चलो जाओ, एंजॉय करो, हैव फन। सर आज लेक्चर लिखवाया, आज जो मैंने लेक्चर लिखवाया था उसका, अच्छा दिखाया, ये लो, बस इतनी सी चीज ही करवाई, भी ज्यादा तो मैंने करवाई भी नहीं, लेआउट ही करवाया मैंने सर आज। सही है, चलो जाओ, एंजॉय करो, हैव फन, अल्लाह हाफिज़।
टाटा।